रेडी सर। वेलकम बैक व्यूअर्स, एमबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अरीना में एक बार फिर खुशामदीद। थर्ड फ्रेम बाबर मसी की ब्रेक, तीसरे फ्रेम का आगाज बाबर मसी के साथ जो कि 0-2 डाउन है इस वक्त इस सेकंड सेमीफाइनल में। अच्छा पॉट एसन रमज़ान की जानिब से और जो दो फ्रेम की बर्तरी अब इन्हें हासिल है वो उनके गेम में बज़ाहिर देखी जा सकती है। शुरू से कॉन्फिडेंट थे इस मैच में और अब कॉन्फिडेंस लेवल यकीनन इंक्रीज़ किया होगा क्योंकि टू लव लीड कर रहे हैं इस सेमीफाइनल में। हसन रमजान फोर। Another great clean pot एहसन रमज़ान की जानिब से। जहाँ मौका मिल रहा है स्ट्राइक करते हैं एहसन रमज़ान लेकिन अभी तक कोई बड़ा ब्रेक देखने में नज़र नहीं आया ना कि पहले सेमीफाइनल में ना ही अब तक इस सेमीफाइनल में। लेकिन मैचेस बहुत एक्साइटिंग रहे हैं और ऐसे ही शॉट्स एक्साइटिंग बन जाता है एक मैच। नाजरीन कोशिश होती है खिलाड़ी की कि वन विजिट में फ्रेम अपने नाम कर सके लेकिन जब तक दोनों के दरमियान एक नेल बाइटिंग मुकाबला ना हो देखने वालों की आस हमेशा लगी रहती है। एक और अच्छा शॉट बाबर मसी की जानिब से। टाइट सेफ्टी स्पॉट पे हैं हसन रमज़ान। फोर
और एक अच्छा रिस्पांस क्यू बॉल को ज़रूर ट्रैवल करवाया है बाबर के सामने एक टफ लॉन्ग रेड। वन ब्यूटिफुल क्लीन पॉट, थोड़ा सा क्यू बॉल क्वेश्चन में टाइट ज़रूर है पर देयर इज अ चांस। ब्लैक का स्पॉट रेड बॉल से कवर्ड है तो रेफरी चेक कर रहे हैं कि हाईएस्ट प्लेस क्या अवेलेबल है। पिंक का स्पॉट भी कवर्ड है रेड से तो ब्राउन बॉल के स्पॉट पर रिप्लेस किया गया है ब्लैक बॉल को। नाइन क्लस्टर ओपन करने की कोशिश थी बाबर मसीह की, क्लस्टर ज़रूर डिस्टर्ब हुआ लेकिन कोई फेवरेबल पोजीशन नहीं है। क्यू बॉल पिंक के स्पॉट के साथ टाइट है, सिट से रिकवरी और अ गुड सेफ्टी नाउ। बाबर मसीह 14 One. एक मरतबा फिर शानदार लॉन्ग पॉट सन रमजान की जानिब से। अब तक के तीसरे फ्रेम तक सन रमजान का लॉन्ग पॉट कहीं ना कहीं बाबर मजीद से अच्छा रहा है, ज्यादा मौके भी इन्हें मिले और उसको अटैम्प भी इन्होंने किया इसीलिए लीड कर रहे हैं अभी दो फ्रेम से। लेकिन बाबर मसीह किसी भी पॉइंट पे कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं तो एंड ऑफ द मैच तक बहुत एहतियात से खेलना होगा सन रमजान को। और यही फोकस की हम बात कर रहे थे नाज़रीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉट जरूर था ब्लैक के लिए पर प्लेसमेंट की चाहत में पॉट से एक मरतबा फिर नजर हटी और डिसअपॉइंट है ऐसा रमज़ान यकीनन, क्योंकि बिल्कुल इस लीड को खोना नहीं चाहते। पर एक अच्छा शॉट या एक बुरा शॉट गेम और फ्रेम मैच तब्दील कर देता है, फोकस रहना होगा ऐसा रमज़ान को अगर अपने ड्रीम रन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में। तीन पॉइंट बनाए इस विजिट में बाबर मसीह ने, उसके साथ टीम की लीड 6 पॉइंट इस फ्रेम में।
वन इट्स अ गुड कॉन्टैक्ट अगर क्यू बॉल बॉब कुशन में सेव होता तो कोई पॉटिंग चांस नहीं रहता बाबर के पास पर यहाँ मौका ग्रीन को पॉट करते हुए टॉप टेबल पे आए और अपने आप को कंफर्ट करें इस सिचुएशन में ये फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए ही क्योंकि बाबर का कमबैक नेक्स्ट फ्रेम में और डिफिकल्ट होता जाएगा अगर हाफ वे थ्रू लव स्कोर पे निकल गए एहसन रमजान फाइव टेन इलेवन बहुत फोकस रह के खेल रहे हैं बाबर मसीह ज्यादा से ज्यादा कोशिश है उनकी कि कम से कम एंगल पे बॉल्स को प्लेस किया जाए लेकिन इस वक्त एक काइंड ऑफ रिकवरी शॉट दरकार That's a nice drop. Right center pocket में बहुत कम एंगल था क्यू बॉल को भी फोर्स किया नाइस स्पॉट नाइस फिनिश ट्वेंटी थ्री अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती जा रही है हर शॉट के साथ बाबर मसीह की इस वक्त मजमुई तौर पे 35 पॉइंट्स से लीड कर रहे हैं जबकि 59 पॉइंट्स ऑन फ्रेम मौजूद हैं सो टू रेड्स एंड टू बिग कलर्स रिक्वायर्ड टू सेव दिस फ्रेम 36 37 टाई बॉल सिचुएशन सिर्फ पिंक दरकार है स्नूकर पोजीशन पे लाने के लिए और अपने टारगेट को अचीव किया इस मर्तबा बाबर मसीह ने स्नूकर दरकार इस तीसरे फ्रेम में एहसन रमजान को 44 51 और इसी फॉर्म की तलाश में थे हम बाबर मसीह की जो कि फर्स्ट टू फ्रेम्स में थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आई बट नाउ ही इज बैक इन द गेम
अपने फ्लो में पॉटिंग कर रहे हैं। 57 पॉसिबल 74 पॉइंट्स क्लियरेंस 59 एंड व्हेन क्लियर द गेम लास्ट ब्लैक तक जब आप क्लियरेंस करते हैं चाहे वो सेंचुरी हो या 147 हो और इट्स जस्ट अ वन रेड क्लियरेंस उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है दैट यू फिनिश द टेबल। गेम शुरू करना एक बात है ख़त्म करना बिल्कुल मुख्तलिफ। 66 74 और नाज़रीन 84 पॉइंट्स की शानदार क्लियरेंस के साथ इस थर्ड फ्रेम को अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं बाबर मसीह और यहां इस सेमीफाइनल में फिल वक्त भी लीड कर रहे हैं एहसन रमज़ान एक के मुकाबले 2 फ्रेम से। तो दिलचस्प मुकाबला स्टार्ट हो चुका है नाज़रीन कहीं मत जाइएगा हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।